Assalamualaikum दोस्तों, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रीम। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं Redmi की तरफ से आने वाले दो न्यू स्मार्टफोन Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max की। अब Redmi Note 9 Pro Max की डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, किसी वरी नेक्स्ट वीडियो में Redmi के Note 9 Pro के बारे में भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे आज की वीडियो में आपसे बात करूँगा Redmi Note 9 Pro Max के स्पेसिफिकेशन के बारे में कि ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में किन किन स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है, इसकी क्या प्राइसिंग एक्सपेक्ट की जा रही है और इसकी क्या लॉन्च डेट निकल के आएगी, पाकिस्तानी मार्केट में ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा। तो इस स्मार्टफोन की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह का टेक रिलेटेड सब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे हम मोबाइल अनबॉक्सिंग की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल के रिव्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ मोबाइल के रिव्यूज़, इसके अलावा आपको टेक गैजेट की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। टेक रिलेटेड स्टफ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है आपको हमारे चैनल पर। तो फ्यूचर में आपको हमारी वीडियोज़ रेगुलरली मिलते रहे, तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा देना है ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो निकल के आए तो उसे मिस आउट ना कर सकें। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे Redmi की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन Redmi Note 9 Pro Max में देखने के आपको सबसे पहले डिस्प्ले के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिली हैं। तो यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max के डिस्प्ले में आपको जो चेंजेस सबसे पहले देखने को मिली हैं, आपको एक 6.6 इंचीज का एक IPS डिस्प्ले वाली स्क्रीन देखने को मिल रही है, जहाँ पे आपको एक सेंटर कटआउट डिज़ाइन दिया गया है। और यहाँ पे जो सेंटर कटआउट डिज़ाइन है इसको कहते हैं पंच होल। अब यहाँ पे जो पंच होल है इसके अंदर आपका सेल्फी कैमरा लगाया गया है। यहाँ पे आपको फ्रंट साइड पे 1080p यानी कि फुल HD प्लस की स्क्रीन रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगी, 450 निट मैक्स ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी आपको इस स्मार्टफोन के अंदर। और यहाँ पे आपको कोरिंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी फ्रंट साइड के ऊपर। अब यहाँ पे इसकी जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह निकल के आई हैं डिस्प्ले के लिहाज से, रियलमी का 6 प्रो इससे काफ़ी बेहतर डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाके देखा जाएगा ताकि आपको पता चल जाए कि रियलमी 6 प्रो किस प्राइस में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है और इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन निकल के आई हैं। तो यहाँ पे Redmi के Note 9 Pro Max से काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि यहाँ पे Redmi का Note 9 इस बार लॉन्च नहीं किया जा रहा है, Redmi का एक Note 9 Pro होगा और एक Note 9 Pro Max होगा। अब यहाँ पे Pro Max सुनते ही साथ ही लगता है कि यार फ़ोन में काफ़ी एक Pro वेरिएंट आने वाला है, काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। तो लोगों ने काफ़ी एक्सपेक्टेशन इससे रखी हुई थी कि यहाँ पे आपको इस फोन के अंदर भी 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज़ की टच सेंस स्पीड देखने को मिलेगी और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी। बट अब नाउ लोगों की एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी ख़त्म हो रही है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे जैसे Redmi Note 8 और Note 8 Pro आए थे ना, उन्होंने रियलमी वालों के स्मार्टफोन रियलमी 5 और 5 Pro को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी थी। बट यहाँ पे नाउ अब रियलमी का 6 और 6 Pro टक्कर देगा Redmi के Note 9 Pro और Note 9 Pro Max को। तो यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन इस बार ही टूट चुकी हैं और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस कंपनी से गुस्सा भी है कि यार यहाँ पे एटलीस्ट आपको 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले दे देना चाहिए था अगर रियलमी वालों ने दे दिया है। तो यही वजह है कि रियलमी के स्मार्टफोन इस बार ज़्यादा सेल होंगे ना, जबकि Redmi के Note 9 Pro को यहाँ पे ज़्यादा सेल होना चाहिए था। जैसे कि अगर Redmi के Note 8 Pro सेल हुए हैं तो यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन नहीं देखने को मिली डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पे आपको यही अपग्रेडेशन देखने को मिली है कि यहाँ पे आपको एक सिर्फ पंच होल का डिस्प्ले लगा दिया गया है, यहाँ पे आपको एक सेंटर पंच होल स्क्रीन दे दी गई है ड्यू ड्रॉप से खत्म करके। तो आगे जाके डिटेल में बात करते हैं कि स्पेसिफिकेशन और क्या क्या निकल के आई है, तो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करती आपकी और फर्दर दूसरी स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड पे भी आपको कोरिंग लगला 5 की प्रोटेक्शन दी गई है और बैक साइड पे यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया। इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको एक साउट माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाए। बैक साइड पे यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कैमरास के पोजीशंस को थोड़ा चेंज कर दिया गया, इसके डिज़ाइन को थोड़ा चेंज कर दिया गया, बट यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पे आपको एक मेन सेंसर देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल का वाइट का, यहाँ पे आपको दूसरा कैमरा जो देखने को मिलेगा वो 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। यहाँ पे 2 मेगापिक्सल को रिप्लेस करके 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो का कैमरा देखने को मिलेगा और एक यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड पे सेंटर पंच होल डिस्प्ले के अंदर आपको एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पे आपको इस स्मार्टफोन के अंदर कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल की एक सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपकी सेल्फी भी काफ़ी एक अच्छी निकल के आएगी, काफ़ी क्लैरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इस फोन के चिपसेट की। तो यहाँ पे आपको एक स्नैपड्रैगन का चिपसेट इम्प्लीमेंट किया गया है, स्नैपड्रैगन का 720G का चिपसेट जो कि एक 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। यहाँ पे आपको
एड्रीनो 618 देखने को मिल जाएगा जीपीयू, और यहाँ पे प्रोसेसर आपको ओक्टा कोर देखने को मिल जाएगा। मीयू यहाँ पे आपको 11 देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। वेरिएंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पाकिस्तानी मार्केट में दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक इसका वेरिएंट होगा 6GB की रैम 64GB की स्टोरेज के साथ, जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस निकल के आई है 40,000। और जो दूसरा वेरिएंट निकल के आएगा पाकिस्तानी मार्केट में 6GB रैम, वो 128GB की स्टोरेज के साथ आएगा, और उसकी जो प्राइसिंग एक्सपेक्ट की जा रही है वो 43,000 है। अब रेडमी नोट 8 प्रो की भी प्राइसिंग यही रखी गई थी। अब ये स्मार्टफोन अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए तो अपग्रेडेड है, और यहाँ पे आपको प्राइस में चेंज नहीं किया जा रहा। बट क्योंकि रियलमी वालों ने कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर दी है जिसकी वजह से आप इस स्मार्टफोन को छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे और रियलमी के स्मार्टफोन पे शिफ्ट होने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे अगर आप रेडमी के लवर हैं तब शायद आप इस स्मार्टफोन की तरफ रह जाएं। बट अगर आपको एक सॉलिड स्पेसिफिकेशन और एक सॉलिड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन पसंद है, और वो स्मार्टफोन पसंद है वो किसी भी कंपनी को जिसमें आपको ज़्यादा से अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की जाए उसकी तरफ शिफ्ट होना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे रियल मी 6 प्रो की तरफ जाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये तो निकल के आई थी इसके वेरिएंट के प्राइस। अब यहाँ पे जो 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस है वो 43,000 एक्सपेक्टेड की जा रही है। अब चलते हैं इस फोन की बैटरी कैपेसिटी की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक 5020mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको एक 30W का वूक चार्ज की भी और 30W की एक चार्जिंग की भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। टाइप सी की यहाँ पे आपको 2.0 की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी। तो ये थी ओवरऑल इस फोन की स्पेसिफिकेशन जो कि निकल के आई है, और बहुत ही जल्दी पाकिस्तानी मार्केट में ये लॉन्च होने वाला है। कोरोना वायरस की वजह से स्मार्टफोन को थोड़ा लॉन्च डेट जो है डिले हो जाती है, कंपनी इसकी तरफ से लॉन्च डेट आती है, बट जो कोरोना वायरस की वजह से इश्यूज वगैरह चल रहे हैं तो कंपनी लॉन्च डेट को एक्सटेंड कर देती है। अब जो इसकी लॉन्च डेट निकल के आई है वो है अप्रैल के, किसी आपको मिड में या एंड में कहीं स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी कंफर्म लॉन्च डेट निकल के नहीं, जो ही कंफर्म लॉन्च निकल के आएगी वो भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, यहाँ पे डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मुझे बताना है आपको रेडमी के नोट एंड प्रो मैक्स की वीडियो कैसी लगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे स्मार्टफोन से, स्मार्टफोन किन स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, इसी क्या प्राइसिंग एक्सपेक्ट की थी आपने। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रही तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और न्यू वीडियो में, किसी न्यू बल्कि अनबॉक्सिंग के साथ, किसी न्यू टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।